एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा है तुम्हें, हमारे बच्चे के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हो तुम। मुझे बहुत खुशी होगी मैं अगर आप दोनों के लिए काम करूंगी तो। सर की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, सर जो भी मूवी डायरेक्ट करते हैं ना मैं सभी देखती हूँ, वो बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। और सर मैं एक एक्ट्रेस भी हूँ। अच्छा वैसे तुम्हें कल से ही जॉब ज्वाइन करनी होगी, अगर तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो तो प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज फिर हम कोई और ऑप्शन देखेंगे। डोंट वरी आई विल कम फ्रॉम टुमारो। ग्रेट। संजू तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं मुझे तुमसे एक बार अकेले बात करनी है। चलो। क्या हुआ? मुझे लड़की ठीक नहीं लग रही यार। मुझे तो ठीक लग रही है, पर हुआ क्या है? वो मुझे कुछ अजीब तरीके से देख रही है, मुझे लग रहा है कि वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है। और हमें इसकी जगह ना कोई बड़ी एज की लेडी देखनी चाहिए जिसको एक्सपीरियंस हो और हमारे बच्चे अच्छे से रख सके। तुम इसको इसलिए मना कर रहे हो क्योंकि वो दिखने में अच्छी है और यंग है? अगर इसको रखेंगे ना तो अच्छा ही है, तुम्हें रोज़ रोज़ मुझे देखना नहीं पड़ेगा। वैसे भी तुम ना रोज़ रोज़ मुझे देख के बोर हो गए होगे। कैसी बातें कर रही हो तुम, तुम्हें देख के बोर इस जन्म में तो होने से रहा, पर कितनी सुंदर हो ना, तुम्हारी जैसी वाइफ हो ना तो आदमी का किसी और को देखने का मन ही ना करे। अच्छा तुम्हारे शूट पे भी तो यंग लड़कियाँ आती होंगी, वो तुमसे फ्लर्ट नहीं करते? नहीं मैंने सबके साथ अपनी बाउंड्री सेट की हुई है। और तुम्हें एक बात बता दूँ, अगर हम दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं है ना तो हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तो फिर ठीक है ना, तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं उसे बोल रही हूँ कल से आने के लिए। ठीक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तुम कहीं जा रही हो? नहीं तो ये ड्रेस? ये तो मैंने आपके लिए पहनी है, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। और आप भी काफी हैंडसम लग रहे हो इस ड्रेस में। थैंक यू। आप मेरे साथ ड्रिंक लेना पसंद करेंगे? नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता। तो आज मेरे साथ में ट्राई कर लो। नहीं प्रणव को दूध पिला दिया था? उसे तो मैंने दूध पिला दिया और वो सो भी गया। आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे अपनी मूवी में काम दोगे ना तो आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। देखो तुम्हें जिस काम के लिए रखा गया है ना उस काम पे ध्यान दो। वो तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन सोच लो अगर आप अपनी बीवी से बोर हो रहे हो तो मैं। हमें तो मैं नहीं रखना जॉब पे, तुम जा सकती हो। अरे आप तो बुरा मान गए, हम बैठ के बात करते हैं। कोई बात नहीं करनी, तुम जा सकती हो। हाउ रूड। ओके चल मैं चले जाती हूँ। संजू या मैंने तुम्हें बोला था ना कि वो लड़की ठीक नहीं है। क्या हुआ? मुझे बोल रही थी कि अपनी किसी मूवी में मुझे रोल दे दो, बदले में जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। निकाल दिया मैंने उसे जॉब से। अच्छा वैसे तुम्हारे लिए तो नॉर्मल ही होगा ना, लड़कियां तुम्हें ऐसे ऑफर करती ही होंगी। नहीं मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, और किसी के लिए होता होगा पर मेरे लिए नहीं। और तुम ये सब क्यों बोल रही हो, चल क्या रहा है आखिर? संजू वो बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? वो कोई केयर टेकर की जॉब के लिए नहीं आई थी, उसको मैंने बुलाया था और वो एक एक्टर है और ये सब करने के मैंने उसे पैसे दिए थे। पर क्यों? वो मैं तुम्हें चेक करना चाहती थी क्योंकि तुम इतनी सारी लड़कियों के आसपास रहते हो और तुम्हारा प्रोफेशन ऐसा है,
तो मैं देखना चाहती थी कि तुम मेरे लिए लॉयल हो या फिर तुम ऐसे। या तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और हम दोनों के बीच है ना कोई लड़की कभी आ ही नहीं सकती। अरे मानता हूँ मेरे प्रोफेशन में इतनी लड़कियां काम करती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके साथ कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। अरे वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ, बात खत्म। I'm so sorry. क्या सॉरी यार, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि हम दोनों में अगर ट्रस्ट नहीं रहा ना तो समझो कुछ नहीं रहा। मैं सब समझ गई हूँ, पर मुझे ना डर लगता था कि मैं कहीं खो ना दूं तुम्हें, या तुम्हें मुझसे कोई छीन ना ले। रिया, मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई अलग नहीं कर सकता, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूंगा।